एक दिन ऐसे घर पे कांच फूटा मेरे मुंह पे, तो मैं भग के गया डॉक्टर के पास। उधर वो बोल रहा है, देखो आयो, कांच का फूटना अपशगुन होता है, इससे 7 साल तक का बैड लक मिलता है। और यार मेरे स्टेथोस्कोप में अनूप जैन बजाना बंद कर यार गवार, अब तो सिद्धू मुंह से आड़ा बजा रहा है। ओ नहीं, ये तो पाजी के दिल की आवाज है। ओ मच्छर पे आड़ा पाजी नहीं। रुक साड़ा, तेनू छटंगा नहीं, वो तेनू मैं बता दिया सी। मर गया मच्छर पाजी, बैठ जाओ फिर जाके। देखो आयु, ये अपशगुन बहुत बेकार चीज है, तुम्हें मैं बाबा विशु जी का नंबर देता हूँ। मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता डॉक्टर। अरे बहुत बड़े इंसान है यार वो, तुम जो भी सोचोगे उन्हें पहले ही पता चल जाएगा। नहीं वो मत सोचना। नहीं ये भी नहीं, ये तो मेरे भी दिमाग में आया था। देखो आयु तुम, छी वो एक संत आदमी आयु, ये क्या सोच रहे उनके साथ, अब तुम मेरे साथ सोच रहे हो। अरे सॉरी यार, कांच फूटा है सर पे, ऐसी सब चीजें चल रही दिमाग में। चला जाऊंगा बाबा विशु के पास, तुम इलाज करो यार। अच्छा है आयु, लेकिन सैडली अब बहरा होने के कारण मैं तुम्हारी हार्ट बीट्स नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए मैंने रेमो को रखा है जो सबकी हार्ट बीट्स मुझे साइन लैंग्वेज में बताएगा। अभी काफी नया है लड़का, लेकिन जल्दी सीख जाएगा। क्या दिक्कत है इन्हें रेमो सर, इनको ना। वाह, ओह इसका मतलब इन्हें कैंसर फर्स्ट स्टेज है। नहीं है, ओह माय गॉड, अच्छा फोर्थ स्टेज है। अरे तो बेवकूफ, फोर्थ स्टेज के लिए सिखाया था ना तुम्हें, ये देखो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। चलो स्लो मोशन राघव और गणेश आचार्य। इतने अजीब अपशगुन आ रखे हैं मार्केट में, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब कोई भी चीज तीन बार नहीं करनी चाहिए। तो मैंने 4 बार पिला दी दादाजी को दवाई, ऑफ कोर्स मर गए वो, लेकिन शुभ तरीके से। ऐसे रात में ओम बन के पड़े हुए थे बाथरूम में। मुझे एक चीज जानना है, ये कांच फूट जाना, केची चलाना, ये सारे अपशगुन पता कैसे चल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी ये चीजें कौन करता है। सोचो ऐसे दो दोस्त खड़े हुए हैं, कल तो ऑफिस की छुट्टी है ब्रो, क्या प्लान्स? यार आज तो बड़ी जोर से चप्पल उल्टी करने का मन कर रहा है यार, मन कर रहा है रात भर कम्बल में सीटियां मारूं और पैरों के नाखून काटूं, फिर एक सुंदर सी नेल पॉलिश लगाऊं ब्रो। मस्त, आखिरी वाला तो अपशगुन भी नहीं था। मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ, बंदी अपने बंदों पर काला जादू कर रही है, फिर कहीं बंदे अपनी बंदियों को फ्रिज में डाल के अलग कर रहे हैं, फुल मैजिक शो बना के रखा है। अरे ये मैजिक ट्रिक तो मैंने बहुत देखी है, अभी तूने तेरी बंदी को फ्रिज में डाल के अलग कर दिया है, अब तू इसे वापस जोड़ देगा है ना? और जोड़ उसको, क्या मतलब क्राइम पेट्रोल का एपिसोड चल रहा है? मुझे ये जानना है इंडिया में कौन सा हागवाड़ का टीचर है जो सबको काला जादू सिखा रहा है। मंजुलिका जी, स्वागत है आपका TRS पे। शुक्रिया बच्चे बुलाने के लिए, अपनी उम्र बताना है। वो तो मैं लड़कियों के हिसाब से ही बताता हूँ, कभी 20 कभी 16 कभी 14 और कभी कभी तो। वैसे मंजुलिका जी, आप ये काला जादू कब से सिखा रही है? बहुत समय से बैठे हैं, चीज बोले। ओ नो नो, चीज नहीं, नो फैब। तो मंजुलिका जी, सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए काला जादू होता क्या? वो तो ये होता है काला जादू, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, इससे अच्छा काला जादू मैं कर सकता हूँ, ये देखिए। कितना सिंपल है। अरे ये क्या हो रहा है, मेरा पैंट क्यों खुल रहा है? अरे अरे अरे, काफी अच्छा लगा मंजुलिका जी आपसे मिल के। रणवीर, बियर भाई साहब, भाई सुन। और हीरो, क्या हुआ? शूट चल रहा है, बोला ना। वो चुड़ैल है, तुझ पे काला जादू कर रही है। यस, मैंने फाइनली मार दिया उस जादूगरनी को। अरे नहीं, ये तो काला जादू था, मैंने शायद रणवीर को मार दिया। रणवीर भी जिंदा है, तो फिर मरा को ये क्या? आजकल के लोग काफी अजीब है, खुद ही आते हैं और खुद ही मर जाते हैं।